सामी बात कर रहा हूँ और इस वक्त मेरे पास एक दूसरा डिवाइस है, स्मार्ट टॉर्च। बेसिकली यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है। ये सेंसर्स डिटेक्ट करता है जो कि वाल्स, ऐसा बहुत सारे वाल्स होते हैं उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, जैसे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये स्विच है यहाँ पे एक ऑन ऑफ करने का, स्मार्ट के नोट को, इसमें मतलब बेसिकली ऑन ऑफ एक स्विच है। ये टॉर्च सब हैंड हेल्ड है, बेसिकली आप हाथ पकड़ के आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस पर सेल्स लगते हैं, बैटरी सेल्स यहाँ पे साइड, और आप इसको इजीली मतलब पॉकेट में भी रख सकते हो, ठीक है। इसको आप जब भी चलना होगा आप इसको ऑन कर सकते हो, जो कि स्मार्ट कैन में बेसिकली होता है, लेकिन ये स्मार्ट कैन से थोड़ा अच्छा है। जैसे कि मैं इसको ऑन कर लिया, अब मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर पर्सन आया है, जैसे सपोज आपने पर्सन देखा, पर्सन को डिटेक्ट कर लिया और ये ऐसे मतलब साउंड करता है, ठीक है। इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ, कम से कम 2 फीट तक ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे कि मेरे सामने दीवार है ये, ठीक है, आप देख रहे हो, देखिए मैं जा रहा हूँ और ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। देखिए देखिए बजने लग गया, साउंड बजने लग गया। तो ये हम ये मतलब बहुत यूज़फुल है, बचते रह रहा है क्योंकि ये वाल डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं मुड़ जाता हूँ, देखिए, लेकिन यहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ रखता हूँ तो डिटेक्ट कर ले रहा है, अगर मैं इस साइड रखता हूँ, इस साइड, तो इतना रेंज का भी ये डिटेक्ट कर ले रहा है। तो ये बहुत यूज़फुल डिवाइस है ये भी। देखिए मैं उठा दे रहा हूँ, मतलब बेसिकली हम हाथ में पकड़ के इसको चल सकते हैं इजीली। देखिए मैं दीवार पे जा रहा हूँ, देखिए बजने लगा ये डिवाइस, यहाँ पे था मेरे पास। तो ये छत को भी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऊपर सीलिंग है, रूफ़ है, रूफ़ को भी अगर मैं इसमें करता हूँ ऐसा ऊपर, तो नहीं बता रहा है, मतलब कुछ रेंज अगर मैं जाऊँगा तो बता देगा। बेसिकली जो सेंसर है आगे, इसके आगे जो भी आता है तो ये बजता है, ओके। देखिए अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे भी है दीवार, देखो बजने लग गया, डिवाइस बज रहा है। सो इट्स ए यूजफुल डिवाइस फॉर वॉकिंग, इट्स ए पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस। ओके, थैंक यू एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।